नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला के लिए गौरव की बात है कि मंडी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद मंडी से मुख्यमंत्री का फायदा उठाना चाहती है और मंडी को मॉडल शहर के रूप में विकसित करना चाहती है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सुमन ठाकुर ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में सकोड़ी खड्ड का चैनलाइजिंग, नगर परिषद कार्यालय का निर्माण और मंडी में केंद्र की मदद से रैन बसेरे का निर्माण करवाना है। उन्होंने कहा कि एक साल के कार्यकाल में उन्होंने मंडी शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है, जिसके लिए शहर के हर वार्ड में घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। वहीं शिवरात्रि से पूर्व मंडी शहर की स्ट्रीट लाइट्स व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से 250 लाइट्स एवं 100 खंभों को खरीदा गया है। शिवरात्रि मेले से पूर्व शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि इस बार नगर परिषद का बजट 44 करोड़ रखा गया है, जिसमें पहली बार पार्षद निधि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पार्षद अपने वार्ड में 7 लाख रुपए लोगों के कहे अनुसार खर्च कर सकते हैं, जिसका 1-1 लाख रुपया तुरंत खर्च के लिए दिया भी जा चुका है। केंद्रीय सहकारी आजीविका मिशन के तहत नगर परिषद की ओर से 116 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि जिनमें से 37 को बैंकों के साथ लिंक भी किया जा चुका है, जिससे 300 महिलाओं को लाभान्वित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद रेडी फेड़ी वालों के लिए कार्ड जारी करने जा रही है। वहीं मंडी शहर में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 261 लोगों को गृह निर्माण के लिए मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी शहर के प्रत्येक वार्ड में कमेटियों का गठन किया गया है, जो वार्ड की समस्याओं को लेकर हर 15 दिन में बैठक करेंगे। सुमन ठाकुर ने बताया कि बंदरों और कुत्तों से निजात पाने के लिए बंदरों और कुत्तों की नसबंदी करवाई जाएगी, जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा शिवरात्रि से पूर्व कुत्तों की नसबंदी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद ने निर्णय लिया है कि शहर के शौचालयों में महिलाओं से पैसे नहीं लिए जाएंगे। नगर परिषद को चलाने में मेरे सभी सहयोगी पार्षदों का बराबर मुझे सहयोग मिलता रहा है, जिसमें नगर परिषद के कर्मचारी, जिला प्रशासन, सभी विभागों के अधिकारी वो कर्मचारी, वो विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शहर के आप सभी प्रेस के बंधुओं का। मैं आज दिल की गहराइयों से और दिल की आवाज से कहना चाहूंगी कि आज मैं नगर परिषद की अध्यक्षा के रूप में यहां पहुंची हूं। अपने वार्ड के लोगों का भी धन्यवाद करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि 3 बार उन्होंने मुझे नगर परिषद में पहुंचाया और प्रेस का विशेष रूप से जो सहयोग मुझे हर समय मिला है, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज कहना चाहूंगी कि हमें इस बार मंडी जिले से मुख्यमंत्री के रूप में सम्मान्य जयराम ठाकुर जी मिले हैं, तो साथ में इसी हमारे विधानसभा क्षेत्र से ऊर्जा मंत्री के रूप में अनिल शर्मा जी मिले हैं, और साथ में जो मेरे सहयोगी पार्षद हैं जो हमेशा अपने शहर की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, जब जब भी उन्हें किसी भी बैठक में बुलाया जाए, किसी भी कार्यक्रम में बुलाया जाए, वो तुरंत अपने वार्ड को छोड़कर इस शहर की भलाई के लिए इकट्ठा होकर जो है अपना सहयोग देते हैं। जब मैं नगर परिषद की अध्यक्षा के रूप में शपथ लेकर पहली बार आपसे मिली थी, तो मेरा ये वायदा था कि सकोड़ी खड्ड की चैनलाइजेशन जो है वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। नगर परिषद का जो कार्यालय है उसको बनाने में मुख्यमंत्री जी का सहयोग लिया जाएगा, और जो हमारा रैन बसेरा है उसको बनाने के लिए हम केंद्र सरकार की मदद से जल्दी जो है उसको शुरू करेंगे। बाकी स्थायी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की गई और जो भी शिकायत की थोड़ी सी इसमें कमी रहती थी तो सीएलसी एक जो है हमने केंद्र नगर परिषद में बनाया ताकि लोगों की 24 घंटे जो है वो सुविधा रहे और उसके द्वारा ही हम लोगों को सुविधा जो है वो मुहैया करवा सकें। बिजली से संबंधित बहुत सारी जो लाइटें हैं नगर परिषद में लगाई गई हैं लेकिन फिर भी कुछ जगह जो है वो हमें लगता है कि वो अंधेरा है। तो आज हम प्रेस के बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शिवरात्रि से पहले जो है जो शहर में हमारी लाइटों की व्यवस्था है वो पूरी कर दी जाएगी। उसके लिए नगर परिषद 250 के करीब लाइटें खरीद रही हैं और 100 के करीब जो है हम पोल उसमें खरीदने वाले हैं। नगर परिषद ने अपने बजट में 44 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा हुआ है। एच टुडे के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।